नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। तो भाई, रोचक खबर ये है कि कनाडा में हरियाणा के लौंडों ने लठ गाड़ दिया है। भाई, कुछ खालिस्तानी बोल रहे थे हम दिवाली नहीं मनाने देंगे, दीपावली नहीं मनाने देंगे। हरियाणा के, आपको पता है लौंडे कैसे होते हैं, बोला ऐसे कैसे, अपनी दिवाली तो यही मननी है, तुमको जो उखाड़ना उखाड़ लो। वैसे ये हरियाणा और खालिस्तान का जो है वार जो है वो अब ऑस्ट्रेलिया से बढ़ता बढ़ता वो कनाडा तक पहुंच। आज ठीक है, बहुत सारे उत्पाती तत्व जो है वो रैप रैप करते करते कनाडा पहुंच गए हैं, लेकिन उनको लठ जहां से पड़नी चाहिए और जिस विशेष स्थान को जिस विशेष प्रकार से लाल करना चाहिए वो हरियाणा के बंदों को ठीक से पता है। और हाँ, वैसे तो आप सही में जो गुरु गोविंद सिंह साहब का सिख है उसको आप देशभक्ति नहीं सिखा सकते, उसी प्रकार से आप हरियाणा के भी लौंडों को देशभक्ति नहीं सिखा सकते। सत्य तो यह है कि मेरे जितने सरदार मित्र हैं वो इन 1%, मैं अभी भी कहता हूं ये पूरा खालिस्तान का जो पूरा प्रोपोगंडा चल रहा है 1% से ज्यादा नहीं, पूरा का पूरा मूवमेंट ही इसीलिए चलाया जा रहा है कि हिंदू जो है वो सिखों से नफरत करने लगे और सिख जो है वो हिंदुओं से नफरत करने लगे, और इसी नफरत के आधार पे, बेसलाइन पे हम खालिस्तान के अपने मांग को क्रिएट करा सके। फिर आएंगे ये लोग पटना जो है वो वीजा लेके, वैसे उसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि देश भर के जितने, दुनिया भर के इनफैक्ट जितने गुरु गोविंद सिंह साहब के असली शिष्य हैं वो जानते हैं कि सनातन और सिखिज्म में बहुत अंतर है नहीं। वो तो एक योद्धाओं की पूरी प्रजाति को निकालना था तो सिखिज्म बन गया भाई, क्योंकि मुगलों से लड़ना था। लेकिन ये बात उनको कौन, लेकिन हरियाणा के लौंडों ने कनाडा में ठीक से समझाया और इतने ठीक से समझाया है कि अगले कई दिनों तक उनको जो उनका सूझा हुआ विशेष स्थान है वो याद रहेगा। पता चलेगा कि भाई ये सिर्फ ओलंपिक में मेडल लाने वाला स्टेट नहीं है, ये जहां लठ गाड़ता है बहुत कायदे से गाड़ता है और अपने तरीके से गाड़ता है। तो हरियाणा के तमाम भाइयों बंधुओं को मेरा विशेष प्रणाम, और उन सरदार हैं जो सिख हैं उनको मेरा और विशेष प्रणाम है, जो इस मुश्किल परिस्थिति में, ये परिस्थितियां डिफिकल्ट हैं, ये डिफिकल्ट इसलिए हैं क्योंकि जो इस वक्त पंजाब में माहौल क्रिएट करने का प्रयास हो रहा है उसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व है, चाइना इन्वॉल्व है, और वो चाहते हैं कि भारत में, चूंकि अब कश्मीर वाला इशू रिजॉल्व होने के प्रोसेस में है, तो एक नया भारत को अनस्टेबल करने के लिए, अंदर में गृह युद्ध जैसी स्थितियां पैदा करने के लिए उन तत्वों को पुनर्जागृत किया जाए जो 1984 या उससे पहले से खालिस्तान, जो प्रो पाकिस्तानी गैंग है, इनसे इन्फ्लुएंस करा करके इनको भ्रमित करके गलत ट्रैक पे ले लिया जाए। ये बातें मैं क्यों कहना और आपको समझना क्यों आवश्यक है, देखिए पाकिस्तान वो स्टेट है जो दूसरों के घर में आग लगाने से पहले अपने घर में आग लगाए और कहेगा देखो इस दीपावली में मेरा घर ज्यादा चमक रहा है ना। उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो बर्बाद है, उसे इस बात से फर्क पड़ता है कि यार हिंदुस्तान, भारत कैसे आबाद है। ये बात समझने की है, इसीलिए मैं कहूंगा कि आप लोग जहां भी हैं ऐसे तत्वों का न केवल सामूहिक रूप से बहिष्कार कीजिए बल्कि वोट करते वक्त इस बात को समझिएगा। पंजाब ये गलती कर चुका है, आम आदमी पार्टी ने जो बोया है बबूल अब वो कांटेदार और बदबूदार झाड़ी में बदल चुका है, उसकी झलक पंजाब में दिखने लगी है और उसके रिफ्लेक्शंस भी नजर आने लगे हैं। लेकिन मेरा ये अभी भी मानना है पंजाब को
पंजाबी हिंदू और पंजाबी सिख मिलके बचा लेंगे, मेरा ये अटल विश्वास है। इतना आसान नहीं है कि आप कुछ खालिस्तानियों के भरोसे हिंदू और सिख के बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा करके आप उनको आपस में लड़ा देंगे, ये बहुत मुश्किल काम है। वो इसलिए है क्योंकि सिखों के 10 जितने गुरु हैं, 10 गुरु हैं, उन हर एक गुरुओं के प्रति हिंदुओं का बड़ा मान है, सम्मान है, हम बड़ा सम्मान करते हैं। और यही नहीं, माता के जागरण से लेकर के हिंदू पूजा पाठ में हमेशा से सिख भाई भी उतने ही इन्वॉल्व रहे हैं। तो ऐसे समय में जब भारत में पंजाब, पंजाबी हिंदू सिख का ये जो पूरा धागा है, विश्वास का धागा है, इसको बड़ी जोर से कोई खींच के तोड़ने का प्रयास कर रहा है खालिस्तान के नाम पे, आप विश्वास के इस डोर को बहुत मजबूती के साथ थामे रखिएगा। इसलिए भी ये वीडियो आवश्यक था। बाकी खालिस्तानियों को चाहे ऑस्ट्रेलिया हो या कनाडा, पेला तो जा ही रहा है और पेले तो जाओगे। वो क्या है ना, एक मिर्जापुर का डायलॉग, उस टाइम भी पेले गए थे, इस टाइम भी पेले जाओगे, पहले जाओगे। और हाँ, जो तुम्हारे बहुत बड़े आइडल है ना, वो भी पहले गए थे और तुम भी पहले जाओ।